Hello friends, now the next topic related to Python language is input and output statements in Python. But before talking about input and output statements in Python language, let's take a simple example of input and output in our real world examples programs. So let's take example of mobile phones. Right now everybody is using mobile phones, so it will be very easier for you to understand the concept of input and output with the help of mobile applications. अब आपको पता है मोबाइल में देयर आर नंबर ऑफ एप्लीकेशन जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है. इन सब में भी क्या है, इन एप्लीकेशन को यूज करने के लिए यू हैव टू एंटर आइदर ईमेल डालना पड़ता है, यूजर नेम डालना पड़ेगा, पासवर्ड डालना पड़ेगा टू लॉग इन. दैट मीन्स ये क्या है, ये इस एप्लीकेशन के लिए को ओपन करने के लिए क्या है, इनपुट्स. दैट मीन्स उस एप्लीकेशन को खोलने के लिए, ओपन करने के लिए सिस्टम रिक्वायर्स इनपुट. उसी तरह जैसे दूसरा एग्जांपल हम इसी का ले लें, जैसे इसमें आप फेसबुक वगैरह में जैसे आप अपनी पोस्ट वगैरह डालते हैं, तो पोस्ट भी क्या है, टेक्स्ट है, फोटोज हैं, इन चीजों के फॉर्म में आपने डालनी होगी प्रोफाइल में, तो ये भी सब क्या है, इनपुट. एंड अदर एग्जांपल हम ले लेते हैं जैसे टिकट बुकिंग की, तो टिकट बुकिंग का सॉफ्टवेयर भी जो है वहां पर भी क्या है, यू हैव टू स्पेसिफाई द ट्रेन, बस, मूवी नेम, एक्सटेंस, इस तरह की चीजें आपको डालने पड़ेंगी. तो दैट मीन्स इन सब चीजों के लिए इनको इनपुट चाहिए ताकि वो आगे कैसे कर सके, प्रोसीड कर सके. सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर इज ए बंडल ऑफ प्रोग्राम्स, कि एक बंडल ऑफ प्रोग्राम्स है वर्किंग टूगेदर टू परफॉर्म ए टास्क और सॉल्व अ प्रॉब्लम दैट मेक्स अवर लाइफ ईजियर. तो इन ऑर्डर टू परफॉर्म एनी टास्क और टू सॉल्व द प्रॉब्लम, द सॉफ्टवेयर मस्ट रिक्वायर सम पैरामीटर्स to perform the task. तो ये जो पैरामीटर्स है, this is where the program takes input from the user. तो यही चीजें जो आपसे पैरामीटर्स ये मांगता है अपने काम को प्रोसेस करने के लिए, ये क्या है, इनपुट्स. आफ्टर टेकिंग दीज इनपुट्स द प्रोग्राम मस्ट प्रोसेस दैम एंड रिटर्न सम रिजल्ट. और जो वो प्रोसेस इन इनपुट्स को, जो आप इन्फॉर्मेशन देते हो, उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद जो वो आंसर रिटर्न करता है, दैट इज क्या है, उसको आप क्या बोलते हैं, आउटपुट. तो अगर कॉमन में भी आप देख रहे हो, जो आप एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, वहां पर क्या है, आपको किसी न किसी तरह की इनपुट्स देने पड़ रही है, किसी न किसी तरह की आउटपुट्स वो प्रोसेस करने के बाद दे रहे हैं. तो अब इसी में हम बात करेंगे कि इनपुट और आउटपुट जो है पाइथन लैंग्वेज में कैसे यूज होती है, इनका सिंटैक्स क्या है, कैसे का यूज है. तो सबसे पहले आ जाती है आपकी इनपुट स्टेटमेंट्स. तो आपकी इनपुट और आउटपुट फंक्शंस हैं क्या है, तो दैट मीन्स आपका क्या है कि अ प्रोग्राम नीड्स टू इंटरेक्ट विद द यूजर टू अकम्प्लिश द डिजायर्ड टास्क. दिस कैन बी अचीव्ड यूजिंग इनपुट आउटपुट फंक्शंस. तो दैट मीन्स वो आपको कह रहा है कि एक प्रोग्राम को इंटरेक्ट करने के लिए, यूजर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको यूजर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए कुछ टास्क के लिए कुछ उसको इनपुट्स और आउटपुट्स चाहिए होंगे. तो इनपुट फंक्शन क्या करता है, हेल्प्स टू एंटर डाटा एट रन टाइम बाय द यूजर. अदरवाइज आप प्रोग्राम जब देखते हो, आपका प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करता है, तो आपकी स्क्रीन रुकती नहीं है, लेकिन स्क्रीन सिर्फ आपकी आउटपुट की तब रुकेगी, प्रोसेसिंग स्क्रीन तब भी रुकती है सिर्फ इनपुट के लिए. तो दैट मीन्स इनपुट फंक्शन हेल्प्स टू एंटर द डाटा एट रन टाइम बाय द यूजर, कि जब तक आप उसको इनपुट नहीं दोगे वो स्क्रीन वहीं पर रहेगी, हॉल्ट रहेगी. और जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो क्या करती है, अब नेचुरली आपने अगर स्क्रीन को इनपुट दिया, जैसे आप दो नंबर्स कर रहे हो, इनपुट 2+3, आपने दो नंबर्स डाले, 2 डाला 3, उसके बाद आप क्या चाहते हो, आप उनका सम चाहते हो ताकि आपको 5 डिस्प्ले हो. वो जो 5 डिस्प्ले होगा वो किससे होगा, विद द हेल्प ऑफ द प्रिंट स्टेटमेंट. द प्रिंट स्टेटमेंट इज यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ द प्रोग्राम ऑन द स्क्रीन आफ्टर द एग्जीक्यूशन. जो आपने इनपुट्स दी है बेस्ड ऑन दैट इनपुट्स, या आपकी सिर्फ प्रिंट की स्टेटमेंट ऐसी भी हो सकती है जो आपने सिर्फ डिस्प्ले के लिए रखी है, जो सिर्फ आपने मैसेज, तो जो आपकी प्रिंट की स्टेटमेंट है उसका काम क्या है, जैसे वो प्रिंट की स्टेटमेंट को देखेगा, वो आपने जो चीज लिखी होगी उसको क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा. आपके बोल जो इनपुट है और जो आउटपुट के फंक्शन है, ये दोनों के दोनों क्या है, इनबिल्ट फंक्शन है. वेयर एज अगर आपने सी या सी प्लस प्लस करी हो, उनमें हमने इनपुट या आउटपुट देनी होती थी, हमें पहले हेडर फाइल्स इंक्लूड करने पड़ती थी, जैसे stdio.h हमें डालने पड़ती थी सी के केस में, C++ के केस में हमें conio.h डाल देने पड़ते थे कंसोल इनपुट एंड आउटपुट, और उसके लिए होती थी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स. वेयर एज आपको पाइथन में काम करने के लिए आपको किसी तरह की आपको हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, ये इनबिल्ट फंक्शंस. आप जैसे इनको करोगे, लिखोगे, और सिस्टम इमीडिएटली समझ जाता है कि अगर इनपुट किया है तो स्क्रीन की रन, स्क्रीन को रोकना है आपके लिए, यूजर के लिए वैल्यू लेने के लिए, और अगर वो आपकी आउटपुट ही है तो आपको डिस्प्ले करेगा. तो सो लेट्स टॉक फर्स्ट अबाउट इनपुट इन डिटेल. Sometimes a developer might want to take input from the user at some point in the program. देखो, कहीं पर काम करने के लिए developer जब काम कर रहा होता है, कुछ कई बार आपको क्या है, कुछ ना कुछ आपको input चाहिए होती है बीच बीच में program में आपको work करने के लिए. Any information, जो भी information और data, data क्या है,
रॉ मटेरियल जो आप सिस्टम को देते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन जो डाटा जो है सेंड टू द कंप्यूटर फ्रॉम द यूजर थ्रू द कीबोर्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट। तो जो भी आप इन्फॉर्मेशन या डाटा सिस्टम को देते हो, यूजर देता है विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, उसको हम क्या कहते हैं, इनपुट। तो जो इनपुट फंक्शन है, इट इज अ बिल्ट इन फंक्शन, ये इनबिल्ट फंक्शन है और इट इज यूज टू स्टोर अ वैल्यू इन द वेरिएबल्स। तो जो वेरिएबल्स होते हैं, इसको डिटेल में वेरिएबल्स को मैं अगले टॉपिक वेरिएबल्स में ही बताऊंगी। तो जो भी वैल्यू स्टोर करने के लिए आपको चाहिए होता है, इनपुट फंक्शन क्या करता है, वेरिएबल में वो वैल्यू क्या करता है, स्टोर करता है। अब जैसे सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स होता है किसी भी चीज का, मैंने आपको बताया था वे ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम। अब इनपुट को, अगर पाइथन का इनपुट का लिखने का सिंटेक्स क्या है, उसी को फॉलो करके आप इनपुट दे सकते हो, अदरवाइज आपका सिस्टम क्या करेगा, सिंटेक्स एरर शो करेगा। सिंटेक्स मीन्स उसका जो लिखने का तरीका है, अगर आपका वैसा नहीं होगा तो सिस्टम आपको एरर शो करेगा। तो सिंटेक्स इसका क्या है, जैसे इसमें लिखा हुआ इनपुट और प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट वहां का, प्रॉम्प्ट का मीनिंग क्या है कि अगर आप सपोज ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो कि आप साथ में इनपुट में दिखे भी क्या लिखा है, जैसे अगर हम प्रॉम्प्ट ना लिखे सीधा इनपुट लिखेंगे तो स्क्रीन तो रुक जाएगी, हमें समझ नहीं आएगा ये किस चीज के लिए लिखी है, रुकी है या क्या पर्पज है। तो अगर हमने जैसे ए की वैल्यू लिखनी है, अगर हम सीधा लिख देंगे इनपुट ए, तो स्क्रीन तो यूजर की रन टाइम के लिए रुक जाएगी ए की वैल्यू, बट आपको इतना मीनिंगफुल नहीं लगेगा। अगर आप यही इनपुट के साथ लिख दो कोड्स के अंदर एंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो जैसे ही वो यूजर की स्क्रीन रन के टाइम रुकेगी तो समझ में आ रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है कि आपसे वैल्यू मांग रहा है। तो प्रॉम्प्ट क्या है, वेयर प्रॉम्प्ट इज अ स्ट्रिंग दैट इज डिस्प्लेड ऑन द स्ट्रिंग एट द टाइम ऑफ टेकिंग इनपुट, कि इनपुट के टाइम पे जब स्क्रीन रुकी होगी वो आपको जो मैसेज शो करेगी वो प्रॉम्प्ट है। द पाइथन विल ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई वेदर द इनपुट इज स्ट्रिंग नंबर और लिस्ट। आपको मैंने बार बार यह कहा था कि आपका पाइथन क्या है, डायनेमिक टाइप्ड है, मीन्स आपको इसमें डेटा टाइप्स देने की जरूरत नहीं है। तो आप जैसे इसमें आप इनपुट डालोगे, ये खुद से इस चीज को आइडेंटिफाई करेगा जो आपने इनपुट डाली है, स्ट्रिंग है, नंबर है या लिस्ट है। तो जब डाटा टाइप्स करेंगे उसमें ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इफ द इनपुट एंटर्ड फ्रॉम द यूजर इज नॉट करेक्ट, अगर आपने जो इनपुट डाली होगी वो गलत होगी, सही नहीं होगी, देन द पाइथन विल शो एन एरर। तो आपका प्रोग्राम क्या करेगा, एरर शो करेगा। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको दिया हुआ है, जैसे टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर विदाउट प्रॉम्प्ट, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आपने मैसेज कुछ नहीं लिखा होगा, एक्स इज इक्वल टू इनपुट, तो ये आपकी रन टाइम के लिए स्क्रीन तो रुक जाएगी बट आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। वेयर एज सेकेंड एग्जाम्पल में जो आपको सिंटेक्स दिखाया है उसमें क्या है, टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर विद द मैसेज विद प्रॉम्प्ट, नेम लिखा हुआ है, आपने लिखा हुआ इनपुट, एंटर द नेम, तो ये स्क्रीन जब रुकेगी आपके लिए इनपुट लेने के लिए, साथ में मैसेज भी डिस्प्ले हो रहा होगा, एंटर यूर नेम। अब यही कंसेप्ट जो हमने इनपुट का किया है, इसी को आपको मैं अभी प्रैक्टिकली करके बताऊंगी, ताकि आपको स्क्रीन पे अच्छी तरह से समझ में आए कि आपने कैसे इनपुट देनी है और कैसे आउटपुट लेनी है। तो पहले अपने इनपुट के जो दोनों आपको मैंने बताई है प्रॉम्प्ट के साथ और विदाउट प्रॉम्प्ट, वो आपको मैं प्रैक्टिकल पार्ट अभी बताती हूँ। अब ये जैसे हम पाइथन के शेल में आ गए हैं, अब जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि आप इनपुट लिखो और बीच में कुछ भी ना लिखो, प्रॉम्प्ट में कुछ ना डालो, ए इज इक्वल्स टू इनपुट, मैं इसको ये कह रही हूँ ए में कोई वैल्यू मेरे से ले। अब जैसे मैं ये एंटर प्रेस करती हूँ, आपका स्क्रीन रुक गई है वैल्यू के लिए, लेकिन हमें देखने में कुछ इतना मीनिंगफुल नहीं लग रहा। टू मेक इट मोर मीनिंगफुल एंड अट्रैक्टिव हम इसमें लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू इनपुट, सॉरी एंटर द वैल्यू ऑफ ए। अब इसमें क्या होगा, अब आपकी स्क्रीन जब इसके लिए रुकेगी तो आपका ये क्या है, साथ में मैसेज लिख रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो किसी को भी समझ में आ रहा है आप ए की वैल्यू मांग रहे हो, ठीक है। अब इसी में अगर मैं इसमें लिख दूं ए इज इक्वल्स टू इनपुट और ये आपका मैं डालती हूं एंटर नेम, अब यहां पर आप क्या डालोगे, अनु मैं लिख सकती हूँ, इसमें वो आपको कोई एरर शो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें क्या है रन टाइम में वो डिसाइड आप जो देते हो उस समय वो देखता है ये इनपुट क्या है, आपकी स्ट्रिंग है, एरे सॉरी लिस्ट है, न्यूमेरिक है, क्या है। ये जब हम डेटा टाइप डिक्लेरेशन पूरी तरह से समझेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सिंपल अभी फिलहाल मैंने आपको ये समझाया कि जो आपकी इनपुट क्या है, अगर आप ये जो जैसे ए इज इक्वल्स टू इनपुट लिखते हो तो स्क्रीन आपकी रुकी है इस केस में, बट जो आपकी स्क्रीन रुकी है जो उसमें आपको समझ में नहीं आ रहा था क्या डालना है। टू मेक इट मोर मीनिंगफुल अगले वाले में हमने प्रॉम्प्ट मैसेज डाला दैट इज एंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो स्क्रीन जैसे ही आई रुकी स्क्रीन वैल्यू के लिए उसने साथ में ये मैसेज प्रिंट किया एंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो इट सीम्स मोर मीनिंगफुल एंड मोर अट्रैक्टिव।
उसी तरह अगर मैंने इसमें ए में 4 डाला तो नेक्स्ट टाइम मैं ए में क्या डाल रही हूँ, नेम डाल रही हूँ। ये कंसेप्ट आपको क्लियर करने के लिए दे रही हूँ कि जैसे इसमें आपको बताया हो कि ये डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, आप चाहे ए की वैल्यू उसमें इन न्यूमेरिक देते हो, इंटीजर देते हो या स्ट्रिंग देते हो, वो रन टाइम में ये डिसाइड करते हो, उसमें वो एरर आपको नहीं देगा। तो इससे हमारा सिंपल कंसेप्ट आपका इनपुट का क्लियर हो गया। अब इसी पे बेस्ड हम सेकेंड कंसेप्ट जो आपका आउटपुट का है, हम वो कंसेप्ट समझेंगे कि आपका आउटपुट क्या है और कैसे सिस्टम जो है आउटपुट लेता है। अब नेक्स्ट पार्ट आपका जैसे आ गया आउटपुट, आउटपुट अब आपका क्या है, सेम एग्जाम्पल के लिए आपको जो चीज़ आपने देखनी है, आप डिस्प्ले चाहते हो, उसके लिए क्या स्टेटमेंट यूज होती है, पाइथन की आउटपुट स्टेटमेंट यूज होती है। ये भी क्या आपका बिल्ट इन फंक्शन है। तो इसके लिए भी जैसे आपको मैंने बोला था कि उसमें आपको आउटपुट के डिस्प्ले करने के लिए सी के लिए stdio.h डालना पड़ता है, C++ में conio.h डालना पड़ता है, इसमें ऐसा आपको कुछ नहीं डालना पड़ेगा। द पाइथन आउटपुट इज यूज टू प्रिंट द आउटपुट फॉर द एंड यूजर बाय टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। अगर आपने सपोज ऐसा कुछ प्रिंट करवाया कि जैसे उसमें आपने इनपुट की वैल्यूज पहले कोई ए जैसे 2 दिया, बी 3 दिया और आप सम दे रहे हो, तो बेस्ड ऑन दैट आपको आउटपुट देगा। द ओनली पॉसिबिलिटी टू प्रिंट द आउटपुट इज बाय यूजिंग द प्रिंट स्टेटमेंट। आपको जो पाइथन में आपको अगर कोई प्रिंट की कमांड आपने कुछ डिस्प्ले करना, तो वो पॉसिबिलिटी सिर्फ किसके हेल्प से है, प्रिंट कमांड की हेल्प से। तो पाइथन का जो आउटपुट स्टेटमेंट है दैट इज ऑल्सो ए बिल्ट इन फंक्शन। पाइथन प्रोवाइड्स द प्रिंट एफ फंक्शन टू डिस्प्ले आउटपुट टू द कंसोल। तो आपकी जो डिस्प्ले होगी वो आपका कंसोल पे देखा था। द प्रिंट इवेल्युएट्स द एक्सप्रेशन बिफोर प्रिंटिंग इट ऑन द मॉनिटर। ये इवेल्युएट करेगा तो प्रिंट डिस्प्लेज एन एंटायर स्टेटमेंट विच इज स्पेसिफाइड विद इन प्रिंट। जितनी भी स्टेटमेंट जो भी चीज आपने लिखी होगी विद इन द प्रिंट स्टेटमेंट वो सारी उसको दिखाएगा। और अगर आपने कॉमा यूज किया, कॉमा यूज टू सेपरेट अ प्रिंट इन प्रिंट स्टेटमेंट टू प्रिंट मोर देन वन आइटम। अगर एक से ज्यादा आपने प्रिंट करनी है वहां पर आइटम्स, तो आप कॉमा की हेल्प से यूज कर सकते हो। अब एग्जाम्पल्स के लिए जैसे पहले एग्जाम्पल में लिखा हुआ प्रिंट द प्रिंट स्टेटमेंट विद एनी आर्गुमेंट्स, जैसे आपने प्रिंट हेलो लिखा हुआ है, प्रिंट द प्रिंट स्टेटमेंट विदाउट एनी आर्गुमेंट, कुछ भी प्रिंट किया हुआ तो इस स्टेटमेंट में सिर्फ हमने प्रिंट में ब्रैकेट्स डाली हुई है, आपको उसमें आउटपुट दिखेगा नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि खाली स्क्रीन एक एंटर प्रेस हो जाएगा। इसमें मैंने दिखाया हुआ जैसे प्रिंट फिर हेलो खाली फिर प्रिंट, तो उसमें आप देखोगे तो आपके क्या दिखेगी, लाइन शो होगी बीच में। उसके बाद आपकी उसमें आपकी एग्जाम्पल नेक्स्ट आ गई कि आप इसमें एस्केप सीक्वेंसेस भी यूज कर सकते हो, जैसे स्लैश एन अगर आप प्रिंट करना चाहते हो आर्गुमेंट्स और आप चाहते हो नेक्स्ट लाइन पे आए, तो आप स्लैश एन डाल सकते हो विच इज यूज टू प्रिंट ऑन द नेक्स्ट लाइन, न्यू लाइन पे डालने के लिए। और टैब यूज कर सकते हो, टैब मीन्स स्लैश टी मीन्स टैब विच इज बेसिकली 7 to 8 कैरेक्टर्स डिस्टेंस होता है, स्पेस होती है। तो जैसे मैंने प्रिंट हेलो लिखा है स्लैश टी हाई फिर स्लैश एन फाइन लिखा हुआ है, तो ये क्या करेगा, हेलो प्रिंट करेगा फिर थोड़ा टैब देगा 7 to 8 कैरेक्टर्स, फिर हाई लिखेगा फिर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा और फाइन लिखेगा। कंकैटिनेशन होता है दो चीजों को ज्वाइन करने के लिए। वी कैन ऑल्सो यूज द प्लस ऑपरेटर टू परफॉर्म कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन मीन्स दो चीजों को ज्वाइन करना। बाई यूजिंग द प्लस ऑपरेटर बोथ द आर्गुमेंट्स मस्ट बी स्ट्रिंग होने की, ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, स्ट्रिंग होनी चाहिए। अब इसी चीज को अब हमने जो एग्जाम्पल्स लिए इसी को हम प्रैक्टिकल पार्ट में करके देखेंगे। देखिए इसमें जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया प्रिंट और हमने लिखा था हेलो, आप जैसे ये चीज प्रिंट करोगे इसने हेलो लिख दिया। अब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि प्रिंट अगर आप कुछ नहीं लिखोगे तो ये क्या करेगा, लाइन शो कर रहा है, ये इतना मीनिंगफुल आपको नहीं दिख रहा होगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं प्रिंट लेट इट बी हेलो, तो ये आपका शो हो रहा है। और इसी को अगर मैं आपको इसमें अगर रन करके दिखाऊं प्रॉपर, जैसे प्रिंट हेलो, उसके बाद हम सॉरी मैंने ब्रैकेट बंद नहीं करी, प्रिंट ये हम स्पेस डालते हैं प्रिंट हाय। अब इसको हम रन करेंगे, अगर ये आपका रन आ गया तो अब यहाँ पर क्या है, ओके पहले सेव करना पड़ेगा रन करने के लिए। जैसे मैंने ए ए नाम दे दिया इसको,
एरर आ गया है यहाँ पर, प्रिंट आपका ये स्पेस हटाना पड़ेगा हमें इसमें से, वन सेकेंड। अब जैसे ही हमने प्रिंट हेलो लिखा, प्रिंट स्पेस ऐसे डाली, प्रिंट आए, तो अब इसको हम रन करेंगे तो आपका क्या चीज आ रहा है, प्रिंट पहले हेलो फिर खाली स्पेस फिर हाय। दूसरा एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था उसमें क्या था कि जैसे स्लैश एन को हम यूज करें या स्लैश टी को, जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ प्रिंट हेलो, फिर हम स्लैश एन डालते हैं, फिर मैं लिख रही हूँ हाय, फिर मैं स्लैश टी डाल रही हूँ, मैंने एक ही में सारा आपको कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ, हेलो और ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें क्या है, पहले हेलो लिखा था फिर स्लैश एन नेक्स्ट लाइन पे आया, फिर मैंने हाई लिखा था, फिर मैंने टैब डाला था, 7 to 8 कैरेक्टर्स आगे गया और फिर हेलो। लास्ट आपको ऑप्शन था कंकेटिनेशन का, जिसमें प्रिंट जैसे मैं दो को इकट्ठा प्रिंट करना चाहती हूँ, तो यहाँ मैंने लिखा हेलो और यहीं पर मैं प्लस का साइन डाल के लिख रही हूँ हाउ आर यू, तो ये हमने बंद किया। तो यहाँ क्या है, हेलो प्लस के साइन के साथ ही, अब इसमें क्योंकि मैंने स्लैश एन या स्लैश टी नहीं दिया था, तो जैसे ही हेलो कंप्लीट हुआ आगे उसने शुरू कर दिया वहां प्रिंट करना हाउ आर यू। तो यहाँ पर क्या चीज होगा कि जैसे ही आपका वो कंप्लीट हुआ स्टेटमेंट, पहली वाली कंप्लीट हुई उसके साथ ही उसने आपका क्या कर दिया, दूसरा कर दिया, रन कर दिया। तो ऑलमोस्ट ये जो चीजें आपकी थी इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट की, वो अब आपको क्लियर हो गया है। अब हम आगे जो करेंगे ऑप्शंस, वो आपका क्या था वो हम करेंगे, अब आपकी कमेंट्स करेंगे।